सो यस गाइस, फाइनली अभी हम लोग घर जा रहे हैं एंड कल हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। कल है हमारा बोर्ड मीटिंग। मैं डेट डिस्क्लोज नहीं करूंगी, टाइम डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल होता है। सो यस, हमारा बोर्ड मीटिंग है कल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग ने बहुत जम के प्रिपेरेशन किया है इसके। सो यस, हम जा रहे हैं। कितना लेट करती हो यार। अरे लेट क्या, मेरा फिंगरप्रिंट ही नहीं हो रहा है। हमसे ज्यादा मैं हमारी ट्रेनिंग काम करती है। थैंक यू। अभी रात के 11 बज रहा है एंड मैं ऑफिस से आई एंड मैं डायरेक्टली सो गई और सीधा अभी उठी हूँ। कल हमारा बोर्ड मीटिंग है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि सेक्रेटेरियल टीम को बहुत बहुत काम करना पड़ता है। जब भी कोई मीटिंग होती है ऑफिस में, पेपर्स जाते हैं, अनेक्शंस जाते हैं, एजेंडाज जाते हैं, तो वी आर द वन CS। सो यस, अभी मैं फाइनल डिसाइड करने वाली हूँ कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ। लाइक मैंने सोचा मैं वन पीस पहनूँ या ब्लेजर पहनूँ। सो आई एम वेरी मच कन्फ्यूज। तो अब मैं उठ ही इसलिए हूँ कि भाई डिसाइड कर लेती हूँ क्योंकि कल सुबह उठ के वापस मुझे जाना है। तो इट्स गो। 2,000 years later सो आई फाइनली डिसाइडेड टू वेयर ब्लेजर एंड आई गेस मुझ पर वो बहुत सूट कर रहा था। सो गाइस, फाइनली आई एम रेडी। बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं। लाइक मेरा मेकअप एंड ऑल सब हो चुका है, प्रिपरेशन हो चुकी है एंड कपड़े तो रात के डिसाइड कर लिए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेंज करने में। हाँ, मुझे आज भी लाइक टाइम नहीं मिला सुबह उठ के वीडियो बनाने को क्योंकि मैं लेट उठी थी सुबह। फटफट उठी, फटफट फ्रेश हुई और फटफट जो भी कर रही हूँ, अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। 5 मिनट में मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे मेरा बैग भरना है, मैं दूसरे बैग में सब डाल दूँ, फिर मुझे चप्पल निकालनी है एंड आई डोंट नो मैं ये व्लॉग अभी क्यों बना रही। हमारा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है, कैसे लग रहा है? हाँ, और सेक्रेटेरियल से ज्यादा इसको नॉलेज है बट ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट मैं डायरेक्टर कुछ पढ़ा ना, मैंने तो देखा। बहुत काम करती है ये। लाइक इसके बस में हो तो सैटरडे संडे को भी छुट्टी ना दो कभी नहीं। ये अगर बॉस बहुत बनेगी बहुत अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए अगर मैं मेरे हाथ में आता है तो। संडे को नो हॉलीडेज, 7 o'clock तक बैठना है। नहीं चाहिए ऐसी बॉस, हमको नहीं चाहिए ऐसी। ठीक है ना, कभी कभार थोड़ी रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा आज सब ऑफिस में एकदम रेडी। इनके एंट्री पर मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी। एंड यस गाइस, इसके बाद हमारी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। आई रियली वॉन्ट टू थैंक माई सीनियर्स फॉर लेटिंग मी टू अटेंड दिस बोर्ड मीटिंग बिकॉज विद इन 6 months ऑफ माई करियर में मैंने एक फर्स्ट फुल फ्लेज बोर्ड मीटिंग अटेंड करी है। कंपनी सेक्रेटरीज का मेजर काम मैंने देखा कि बोर्ड मीटिंग में मिनट्स जॉट डाउन करना और रेजोल्यूशंस प्रपोज करना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत ऑब्जेक्शंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज और CFO का उनका आंसर देना पड़ता है। वो सब मैं मिनट्स कर रही थी, कंटिन्यूस मैं बस लिखे जा रही थी। मुझे पूरे बोर्ड के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का भी मौका मिला। लाइक मैम ने बोला कि नेहा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मैंने अपने रैंक्स भी बताया। मैं मेरे रैंक्स भूल गई थी बट हमारे CFO ने बताया कि नेहा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर रैंक एज वेल। सो दैट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी मीटिंग के क्लिप्स बिकॉज ऑब्वियसली यू ऑल मस्ट बी नोइंग ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, ये डिस्क्लोज नहीं करना होता। तो मुझसे जितना हुआ मैंने उतना व्लॉग निकाला एंड अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी इट्स अमेजिंग बट येस वी डू हैव अ लॉट ऑफ टास्क। हमको बहुत काम करना पड़ता है CS एज वेल एज CA को बिकॉज CA फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करते हैं एंड CS रिजोल्यूशंस प्रपोज करते हैं। आई होप यू लव दिस व्लॉग। फैंसी पार्टीज के लिए तो ठीक है बट बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार होने का मजा ही कुछ।